नमस्ते सर। नमस्ते। हमें थोड़ा अपनी कोचिंग जर्नी के बारे में बताइए। ओके, मेरा नाम जयसिंह है और इन बच्चों को मैं ही ट्रेन करता हूँ यहाँ पे। मैं जो मेरी जर्नी रही है जूडो की, वो ऐसे रही थी, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा करता था, तो उस समय मैंने पहली बार मैंने भी जूडो को देखा। मुझे नहीं पता था जूडो क्या गेम है, तो हमारे जो कोच हैं महेंद्र सर, तो उनने मुझे ट्रेन किया, आगे बताया जूडो की जर्नी, तो मैंने भी उनके थ्रू सीखा और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मेडल लाया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे ब्लैक बेल्ट का कोर्स किया, ब्लैक बेल्ट ली, और आज मैं नॉर्मल बच्चों को भी सिखाता हूँ, डेफ एंड डम को भी एंड ब्लाइंड बच्चों को भी ट्रेन करता हूँ इसी सेंटर के थ्रू। अब इस सेंटर में नरेंद्र सर हमें फुल सपोर्ट करते हैं बच्चों को आगे लेवल पे ले जाने के लिए। तो अच्छा सर, आपने स्पेशल एबिलिटी बच्चों को कोच करने के बारे में कैसे सोचा? क्योंकि नॉर्मल के लिए तो हर कोई ट्रेंड बैठे हैं, हर कोई हमें NIS जब करने जाते हैं तो भी हमें नॉर्मल को ही कराया जाता है। अगर BPED की बात हो, MPED की बात हो, उसमें भी नॉर्मल कर रहे हैं, बट कहीं पे भी पैरा शब्द नहीं जुड़ा आता है। तो स्पेशल मैंने इन बच्चों के लिए BED करी स्पेशल एजुकेशन से, हालांकि वो लाइन थोड़ी अलग है, बट मैंने इनके लिए करी BED स्पेशल, सिर्फ इनको समझने के लिए और इनको सिखाने के लिए कि मैं कैसे इनको हैंडल करूँगा। तो मैंने स्पेशल जो मेरी स्पेशलाइजेशन है वो मैंने इनकी करी। फिर मैंने साइन लैंग्वेज सीखी जो मेरे डेफ बच्चों में भी यूज़ होती है। फिर मैं इनके तरफ आता चले गया, जैसे जैसे मेरे को पता चला इनके क्या क्या चुनौतियों का सामना करते हैं, ये कैसे कैसे डे टू डे लाइफ में इनको कितना हार्ड होता है, एक सर्वाइव करने कितना हार्ड होता है, फिर जूडो तो बहुत आगे की बात है। फिर धीरे धीरे इनको ट्रेन करना स्टार्ट किया, तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन हाँ आज की डेट में बच्चे काफ़ी अच्छे हैं, अपने नेशनल हो इंटरनेशनल लेवल, आज की डेट में बच्चे मेडल ला रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। हाँ हाँ, आपके स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडल लाए हैं, लेकिन इस सब से पहले आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं BED स्पेशल एड करूँ? जी, मैं पहले एक जैसे ये IPSA है जो हमारी इंडियन ब्लाइंड एंड पैरा जूडो एसोसिएशन, ये काफ़ी साल से चलती आ रही है, तो इसमें मैं टूर्नामेंट देखा करता था कि पैरा बच्चे जूडो कर रहे हैं, पैरा बच्चे काफ़ी और गेम में भी थे, एथलेटिक्स वगैरह इनमें भी थे, तो मेरा इनसे ही थोड़ा सा रुचि अंदर से जागी। मेरा हालांकि डेफ बच्चों पे भी काफ़ी रुचियाँ थी, उनके लिए मैंने साइन लैंग्वेज वगैरह करी थी, तो उनसे रुचियाँ थोड़ी सी जागी, तो तब से मैं इनके साथ ही इनसे कनेक्ट हो गया एकदम से, तो इन्हीं के लिए बस आगे सीखते चले गए और करते चले गए। अब जब आपके बच्चे इंटरनेशनल मेडल लाते हैं तो आपको कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा महसूस होता है, ठीक है, आगे ऐसे लाते रहेंगे मेडल में भी चलता रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।